दोस्तों, अगर आप भी पैसे को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं और आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर बेटी का शादी करना चाहते हैं, आप किसी भी रीजन से पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिल पा रहा है और आप लोन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका लोन भी पास नहीं हो रहा है, तो आज एक नए पोर्टल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जो भी नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप 1,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मात्र अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करके ले सकते हैं। तो कौन सा वो पोर्टल है और कब कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इस वीडियो आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना। जैसे आप ब्राउजर को ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जन समर्थ, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जन समर्थ आपको यही लिख के आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे टाइप करके सर्च करिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको जो पहला लिंक देखने को मिलता है jansamarth.in, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का लोगो देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले ऑप्शन आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से लोन भी मिल जाएगा, लोन के साथ साथ आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आपको कम इंटरेस्ट लगने वाला है और आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो इस पॉपअप में यहाँ पे पॉपअप शो कर रहा था, आपको पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। यहाँ पे 12 स्कीम चलाई जा रही हैं और 5 लोन कैटेगरी के हैं, जो लोन की कैटेगरी है वो 5 हैं और यहाँ पे 12 स्कीम चलाई जा रही हैं। और लेंडर्स देख सकते हैं यहाँ पे, लेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म लोन देने वाले जो हैं 200 प्लस हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना, नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला आपको यहाँ पर लोन देखने को मिल जाता है एजुकेशन लोन, ठीक है। यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन लोन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप नीचे आइएगा तो नीचे अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एग्री लोन लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना वो भी हम बताएंगे। तो आपको नीचे आना, नीचे आप देखते हैं यहाँ पे एग्री, यहाँ पे देखते हैं ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेवलपमेंट के लिए लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ आपको अगर बिजनेस करना है तो ये सबसे अच्छा है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो यहाँ से आपको बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर लाइव देखते हैं लाइवलीहुड लोन, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसी एक लोन के बारे में। तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा, मान लीजिए अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप देखते हैं बिजनेस लोन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जिस टाइप का लोन लेना चाहते हैं आपको वहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लोन क्यों चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है कि लोन आपको सिलेक्ट करना होगा अपना स्कीम, लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आप यहाँ पे लोन फॉर हैंडलूम यूवर, लोन फॉर मैनुअल, लोन फॉर स्टिक वेंडर या फिर अदर बिजनेस, अगर आपका अदर कुछ है तो आपको अदर वाला क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेगा तो आपके यहाँ पे नया स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप पुराना है उसको बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आप नया करना चाहते हैं, आप 8वीं पास हैं या फिर फेल हैं, अगर आप पास हैं तो येस करिएगा नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अंडरगोन EDP ट्रेनिंग, अगर आप EDP ट्रेनिंग लिए हुए तो येस करिएगा नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता है आपका बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस, तो आपका जो भी बिजनेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्विस या ट्रेडिंग जो भी रहेगा आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ आपको नीचे आना, अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना, जो आपका जेंडर होगा जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखने मिलता है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर जनरल OBC SC ST जो भी है जो भी रहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यस करना नहीं तो नो कर देना है। तो यहाँ आपको देखने मिलता है यहाँ पे अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यस करना नहीं तो आपको नो कर देना। इसके बाद यहाँ आपको नीचे आना, आप शहर से बिलोंग करते हैं या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखने को मिलता है सेलेक्ट टाइप योर बेनिफिशियरी, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना प्रोजेक्ट में लगने वाला है पैसा वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लाख रुपये लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप ऊपर 5 लाख यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, टाइप करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आप खुद से कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, सपोज डेट मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए आप टाइप कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4 लाख रुपए, मतलब आपको 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे इस पर आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यू आर एलिजिबल टू फॉर टू बिजनेस इक्विटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पहला लोन जो देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉई जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। यहाँ आपको 400,000 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब्सिडी आपको अमाउंट मिलने वाला है 1,25,000, 4,060 रुपये मंथली आपको EMI देना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्स आपको यहाँ 15 साल के लिए लोन मिलने वाला है, मतलब आपको 400,000 रुपये मिलेगा, 1,25,000 रुपये आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। मंथली आपको जो देना पड़ेगा वो 4,000 रुपये का देना पड़ेगा और यहाँ आपको 15 साल के लिए लोन मिलने वाला है। ठीक है, आपको 35% देख सकते हैं 35% आपको यहाँ पे कॉस्ट आपको मिल जाएगा सब्सिडी। अब आपको नीचे आना, दूसरा आपको लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 4,00,000 मिलेगा तो आपको यहाँ पे 8,500 रुपये आपको प्रति महीना देना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, 5 साल के लिए लोन मिलने वाला है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यही लेना चाहते हैं PMEGP, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉगिन टू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेगा तो आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप करना होगा, टाइप करने के बाद एक OTP को सेंड किया जाएगा, OTP टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा। तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो पहले से ही चैनल पे बना हुआ है, तो उसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से वीडियो को देख के अपना लोन अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं जो आप बैंक को सिलेक्ट करिएगा, जैसे आप बैंक का वहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, बैंक को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पे हार्ड कॉपी मिलेगा इसका आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने आधार कार्ड को, अपने बैंक अकाउंट को, अपने पैन कार्ड को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट इसमें आप लगाए रहेंगे आप उसका हार्ड कॉपी निकाल लेना और आपको बैंक में जाके सबमिट कर देना है। 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो लोग पहले आपको चेक करेंगे, आपका यहाँ पे अकाउंट चेक करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आपका अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, आप एलिजिबल पाए जाते हैं, तो आपके अकाउंट में 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।